हेलो फ्रेंड्स, आई एम रियाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे फियर्स की या चार ऐसे फोबियाज की जो बहुत कॉमन है। सो बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, फियर ऑफ ब्लड। फियर ऑफ ब्लड यानी खून का डर, किसी का खून से या खून से डर लगना। तो दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हीमोफोबिया। ये दोस्तों सही पढ़ा आपने, हीमोफोबिया। इसकी स्पेलिंग होती है HEMO HEMO PHOBIA, फोबिया, हीमोफोबिया। नंबर टू, फियर ऑफ स्नेक्स। फियर ऑफ स्नेक्स यानी सांप से डर लगना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑफिडियोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने, ऑफिडियोफोबिया। इसकी स्पेलिंग होती है OPHIDIO, ऑफिडियो, PHOBIA, फोबिया, ऑफिडियोफोबिया। नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ बीइंग अलोन। फियर ऑफ बीइंग अलोन यानी अकेले होने से डर लगना या अकेले रहने से डर लगना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑटोफोबिया। जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने, ऑटोफोबिया, AUTO, ऑटो, PHOBIA, फोबिया, ऑटोफोबिया। नंबर फोर एंड द लास्ट वन, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सिनोफोबिया। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है CYNO, PHOBIA, सिनोफोबिया। तो दोस्तों, ये थे चार ऐसे फियर या फोबिया जो बहुत कॉमन है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।